गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास डी रेड। सब्जेक्ट है हम लोगों का F1 यूनिट 4 लेक्चर 10। आज का हमारा प्रकरण है शिक्षा। आज का हमारा प्रकरण है शिक्षा, और ये जो शिक्षा है एजुकेशन नहीं है, यह शिक्षा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक पुस्तक है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित यह एक पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने किस प्रकार सीखा जाए और सीखने का तरीका किस किस प्रकार होना चाहिए उसका वर्णन उन्होंने किया है। मनुष्य जो है जन्म से लेकर मरता है तब तक कुछ ना कुछ सीखता है, और उनका कहना है कि सीखने में स्वतंत्रता होना चाहिए और स्वायत्तता भी होना चाहिए, दोनों जरूरी है। जब तक सीखने वाले को स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तब तक वह किसी भी कार्य को अच्छे तरह से नहीं सीख सकते हैं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार है, और मेरे मानने से ये सबका विचार है। कोई भी व्यक्ति को जब तक हम उसे स्वतंत्रता नहीं देंगे तब तक वह सीख नहीं सकता है। जैसे छोटा बच्चा है, खेलता है, कूदता है, तो मान ली एक साइकिल ने चलाना है, अगर पहली बार बच्चा साइकिल लेकर चलता है अगर उसी दिन गिर गया, हम उसको डांटना करेंगे, तुम कैसे चला रहे हो, क्यों चला रहे हो ऐसे, तो वह कभी जीवन में नहीं सीख पाएगा, उसको छोड़ देंगे स्वतंत्र रूप से। चलता है, रेंगता है, गिरता है, फिर भी चलता है। बच्चा छोटा होता है, पढ़ना लिखना जब शुरू करता है तो शुरू में क्या करता है, गलती करता है, लिखता है, गलत लिखता है, पाई पढ़ता है, इधर टेढ़ा मेढ़ा खींचता है, लेकिन धीरे 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 गलती करते करते स्वतंत्र रूप से उसे छोड़ दिया जाता है, तो वह उसे लिखना और पढ़ना धीरे धीरे आ जाती है। तो उनका विचार है कि सीखने में स्वतंत्रता अति आवश्यक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस पुस्तक में यानी शिक्षा में किस प्रकार सीखना चाहिए, बच्चे को सीखने के लिए स्वतंत्रता जरूरी है, इसी का वर्णन उन्होंने किया है। इस पुस्तक में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 4 लेख संकलित हैं। कितने लेख? 4 लेख। पहला, शिक्षा के हेर फेर, शिक्षा के हेर फेर। दूसरा है शिक्षा का मिलन, दूसरा है शिक्षा का मिलन। तीसरा है शिक्षा का विस्तार, और चौथा है विश्वविद्यालयों का स्वरूप। पहला है उनका शिक्षा का हेर फेर। उनका मानना है कि शिक्षा में हमेशा बदलाव होने चाहिए, बच्चे को उस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिस प्रकार की शिक्षा की उसे आवश्यकता है, समय के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था कुछ अलग थी, उसका कुछ अलग मान था। उस समय बच्चे जाते थे गुरुकुल में, मौखिक रूप से पढ़ते थे, उसके बाद धीरे 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 समय में परिवर्तन हुआ। आज इंटरनेट की जमाना हो गई है, साइंस आगे हो गई है, तो आज हमें तकनीकी शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो उनका है कि उनका विचार है, रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार है कि शिक्षा में हमेशा परिवर्तन होना चाहिए, शिक्षा ऐसी देनी चाहिए जिससे बच्चा अपना जीविकोपार्जन कर सके, उसके चरित्र का निर्माण हो सके, वह समाज के लिए उपयोगी नागरिक बन सके, शिक्षा से उसे रोजगार मिल सके जिससे लिए वह अपने जीवन यापन कर सके। तो उनका विचार है कि शिक्षा में हमेशा परिवर्तन होना चाहिए, समय के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए, बच्चे को उस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे वह समाज के लिए उपयोगी नागरिक बने और अपने जीविकोपार्जन कर सके। दूसरा है शिक्षा का मिलन। इसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का जो असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा पद्धति का जो चर्चा किया है उसी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के मिलन में चर्चा किया है। इनका विचार है कि शिक्षा में
अगर कहीं से कुछ मिलता है तो उसे जोड़ना चाहिए। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के समय विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किए थे, विदेशी अंग्रेजी शिक्षा को बहिष्कार किए थे, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना है अंग्रेजी शिक्षा बेकार नहीं है, अंग्रेज बेकार थे, अंग्रेज हमको कष्ट देते थे, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा नहीं, ज्ञान हमें जरूरी है। तो उनका विचार था कि जो शिक्षा पद्धति विदेशों में चल रही है और वह उपयोगी है तो वह उसे भी हमें अपना लेना चाहिए, यानी पश्चिमी सभ्यता के जो जो चीज़ अच्छाई है उसे हमें अपनाना चाहिए और हमारे सभ्यता के जो जो चीज़ बुरा है उसे त्याग देना चाहिए। तो शिक्षा के मिलन में उन्होंने इसी पर वर्णन किया है कि पश्चिम सभ्यता में जो भी अच्छाइयाँ है उसे हमें अपनाना चाहिए और हमारे सभ्यता में जो बुराइयाँ है उसे दूर करना चाहिए। तो शिक्षा के मिलन में उन्होंने इसी का वर्णन किया है। चौथा है शिक्षा का विस्तार। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना है कि जब तक शिक्षा जन जन तक नहीं पहुंचती है, हर व्यक्तियों के पास शिक्षा नहीं पहुंचेगी, तब तक न देश का विकास होगा न व्यक्ति का विकास होगा। हर व्यक्ति का विकास होगा तभी भी राष्ट्र का विकास हो सकता है। तो उनका मानना है कुछ व्यक्तियों के पास ही शिक्षा रहने से देश का विकास नहीं हो सकता है ना समाज का विकास हो सकता है, इसलिए हर व्यक्तियों के पास शिक्षा पहुंचनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार है कि शिक्षा का ऐसा विस्तार किया जाए कि जन जन तक शिक्षा पहुंचे और हर व्यक्तियों के पास शिक्षा पहुंचेगा तो उस व्यक्ति का विकास होगा और जब उस व्यक्ति का विकास होगा तो देश का विकास होगा। चौथा है विश्वविद्यालय का स्वरूप। उनका विचार है विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो विश्वविद्यालय ऐसा होना चाहिए, ऐसे विश्वविद्यालय में ऐसे शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे बच्चे को रोजगार मिले, उसे चरित्र का निर्माण हो और वह विश्वविद्यालय में उसी सब्जेक्ट पर पढ़ाई हो जिससे बच्चे को अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे वह रोजगार मिले, जिससे जिससे वह समाज के लिए उपयोगी नागरिक बन सके। तो विश्वविद्यालय का स्वरूप के बारे में भी पुस्तक में उन्होंने चर्चा किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस पुस्तक में चार लेख के अतिरिक्त उन्होंने उस समय भारत में जितने भी कुरीतियाँ थी उसको दूर करने का सुझाव इस पुस्तक के द्वारा बताया है। उनका मानना है सबसे पहले टैगोर के अनुसार शिक्षा को सदैव मनोरंजनपूर्ण होना चाहिए। वो ये मानते हैं कि कभी कोई गार्जियन या अभिभावक अपने बच्चे के हाथ में अगर कोई मनोरंजन का पुस्तक देखता है तो वो सब फौरन उसे छीन लेता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को पाठ्य पुस्तक पढ़ने के साथ साथ मनोरंजन की पुस्तक भी पढ़ना आवश्यक है। वे मानते हैं कि ये सत्य है पेट खाना खाने से भरता है, पानी पीने से नहीं, हवा पीने से नहीं, लेकिन अगर खाना को अच्छे तरह से हजम करना है तो हवा की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, बिना हवा का भोजन हजम नहीं कर सकता है। सेम उसी तरह पाठ्य पुस्तक जो सिलेबस है उसको पढ़ने से बच्चे का कार्य कर चल सकता है, लेकिन जब तक वह पाठ्य पुस्तक जो हमारे सिलेबस है उसके साथ साथ अतिरिक्त पुस्तक मनोरंजन का पुस्तक बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसका विकास नहीं हो सकता है। तो उनका मानना है कि बच्चे को कोई भी चीज़ जब सीख रहा है पढ़ रहा है अगर मनोरंजन का पुस्तक पढ़ रहा है तो उसे छूट देना चाहिए। मनोरंजन शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन भी अति आवश्यक है, जब तक मनोरंजन नहीं होगा तब तक बच्चे का विकास नहीं होगा, जो पढ़ा है वह उसे अस्थाई नहीं हो पाएगा। दूसरा है
टैगोर बालकों को स्वतंत्र सीखने पर बल देता है। उनका विचार है कि कोई भी चीज़ बच्चा अगर सीख रहा है तो हमें उसे स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, उसे आज़ादी देनी चाहिए। जब तक बच्चा कुछ गलती नहीं करेगा तब तक वह सीखेगा नहीं, इसलिए उन्हें उनका विचार है कि बच्चा अगर कुछ सीख रहा है तो बच्चे को स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसे स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए छोड़ देना चाहिए। शिक्षक का दायित्व भी है और अभिभावक का दायित्व है कि बच्चे को सीखने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ना जरूरी है। उस समय भारत में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, उसको दूर करने के बारे में भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस पुस्तक में चर्चा किया है। वे वैज्ञानिक शिक्षा को भारत की व्यर्थ कुरीतियों को समाप्त करने के लिए आवश्यक मानते हैं। हमें उस समय ऐसा होता था कि जादू टोना पर ज़्यादा विश्वास करते थे, झाड़फूंक पर ज़्यादा विश्वास करते थे, हमें देवी देवता पर ज़्यादा विश्वास करते थे। मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं, अगर किसी बच्चा को सांप काटता है तो हम लोग आज भी बहुत सारे लोग उसको ओझा के पास इधर झाड़फूंक के लिए, जब तक ओझा झाड़फूंक करेगा तब तक बच्चा मर जाएगा। तो साइंस कहती है कि झाड़फूंक मत कराओ, उसे डॉक्टर से इलाज कराओ। पहले अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती थी तो हम लोग क्या करते थे, हमारे पूर्वज लोग, हम लोग उसे किसी ओझा के पास ले जाते थे, झाड़फूंक कराते थे, जब तक बच्चा बीमार हो जाता था, बीमारी बढ़ जाती थी और वह मर जाता था। लेकिन साइंस है कि उसे डॉक्टर ही इलाज कराओ, जादू टोना भूत प्रेत पर विश्वास मत करो और उसे तुरंत फौरन कोई बीमारी होती है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाओ, इलाज कराओ, उसे सही इलाज कराओ, वह ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने जादू टोना भूत प्रेत ये सब का विरोध किया है। वह माना है कि हमें शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए और जो समाज में कुरीतियाँ है उसे दूर होना चाहिए, जो पश्चिमी सभ्यता से ली है उन्होंने इस शिक्षा को। उसके बाद हमारे समाज में छुआछूत की भेदभाव थी, हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच, अगर किसी तालाब में मुसलमान कास्ट का कोई व्यक्ति पानी भर लिया तो लोग मानते थे कि यह तालाब छुआ गया यानी दूषित हो गया। तो ऐसा नहीं, वो मानते हैं कि जल सबके लिए आवश्यक है और कोई भी व्यक्ति किस कास्ट का है उसके दिमाग और उसके माथे पर नहीं लिखा गया और कोई अपने से कास्ट नहीं बनाता है। यहाँ मनुष्य जो भगवान जब जन्म देते हैं सबको एक समान जन्म देते हैं, यहाँ पर आकर हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बढ़ जाते हैं। इसलिए उनका मानना था कि हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव, जाति पाति का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए सब व्यक्तियों का आवश्यकता है। तो इस पुस्तक में उन्होंने समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उसको किस प्रकार का दूर किया जाना चाहिए, किस प्रकार से दूर किया जा सके उसका वर्णन किया है। जाति पाति का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, जो उस समय हमारे यहाँ जो कुरीतियाँ थी भूत प्रेत जादू टोना उसका भी वर्णन इन्होंने किया है इस पुस्तक में। बच्चे को किस प्रकार सिखाना चाहिए इसका भी वर्णन किया है। शिक्षा में मनोरंजन का स्थान होना चाहिए इसका भी वर्णन उन्होंने किया है। उनका मानना है कि हमारे जो पश्चिमी सभ्यता है जिस प्रकार अपने बच्चे के विकास के लिए शिक्षा दे रही है उस प्रकार की शिक्षा हमें भी देनी चाहिए और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करने चाहिए। तो आज हम लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित शिक्षा पुस्तक की अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने बच्चे को किस प्रकार सिखाया जाए, समाज में से कुरीतियाँ को किस प्रकार दूर किया जाए इसका वर्णन उन्होंने किया है। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।